नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। और हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें हम शुक्र के बारे में बात कर रहे थे और शुक्र के रिजल्ट्स हम देख रहे थे लगन के अनुसार विभिन्न भावों में। तो अब हमारी बारी है पंचम भाव की। इससे पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी जब शुक्र फोर्थ हाउस में आते हैं तो किस प्रकार के रिजल्ट वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इस बार बारी है अब यहाँ पर पंचम भाव की। पंचम भाव किसका होता है, सबसे पहले ये जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी को बताता है, पंचम भाव आपके माइंड का है, पंचम भाव आपका मनोरंजन आप किस प्रकार से करते हैं वो बताता है, पंचम भाव पिछली लाइफ यानी पास्ट लाइफ का है, पूर्व जन्म का है, पास्ट लाइफ में आपने क्या कुछ किया, किस प्रकार से इस जन्म में आपको वो रिजल्ट अब मिलेंगे, ये पंचम भाव से हम देख सकते हैं। पंचम भाव संतान भाव है, यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि किसी जातक की संतान कैसी होगी। ये शिक्षा का भाव भी है, आपकी एजुकेशन पंचम भाव से देखी जाती है। तो पंचम भाव में हम ये देख सकते हैं कि आप किस प्रकार से एजुकेशन लेंगे, ये आपकी स्कूल एजुकेशन का भाव है मुख्य तौर पर। और उसके बाद जो आपकी हायर एजुकेशन है वो आपका नाइन्थ हाउस बताता है। तो नाइन्थ हाउस यहाँ से पंचम हो गया। और पंचम भाव से आप अपनी माइंड, आपका माइंड जो है किस प्रकार से काम करता है, दिमागी क्षमता आपकी कैसी है ये बताता है। प्रेम संबंधों का, प्रेम का हाउस है पंचम भाव। इसके अलावा पंचम भाव से हम ये भी देखते हैं कि हम कितना इंटरेस्ट लेते हैं क्रिएटिव स्किल्स में, हमारी क्रिएटिव स्किल्स किस प्रकार की हैं, हमारा जो एक तरह से मन है वो किस प्रकार से काम करता है, इमोशनल हम कितने हैं, ये भी हम पंचम हाउस से देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पंचम भाव से हम जुआ सट्टा लॉटरी या फिर शेयर मार्केट से जो भी हमें लाभ प्राप्त होना है उसको देख सकते हैं। पंचम भाव से हमारी संतान की एजुकेशन, संतान कैसी होगी, हमारा संतान से संबंध कैसा रहेगा, ये सब हम जान सकते हैं। पंचम भाव से हम ये देख सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट मूवीज वगैरह में, थिएटर या आपका जो स्टेज परफॉर्मेंस है, सिंगिंग वगैरह है, उसमें आपकी रुचि कैसी रहेगी, भाषण देने में आप कैसे हैं, ये सब पंचम भाव से हम पता कर सकते हैं। तो जब शुक्र पंचम भाव में आते हैं तो अब शुक्र किस प्रकार से यहाँ पर रिजल्ट आपको देंगे। देखिए, जब भी शुक्र पंचम भाव में आते हैं तो सबसे पहले आपको शुक्र की प्लेसमेंट चेक करनी पड़ेगी और यहाँ पर पंचम भाव पर अन्य ग्रहों की जो दृष्टियां हैं वो भी आपको चेक करनी पड़ेगी, राशि कौन सी है वो भी आपको चेक करनी पड़ेगी, उसके अनुसार ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। और शुक्र का डिग्री वाइज बल भी आपको देखना होगा। शुक्र जब भी पंचम भाव में होते हैं तो हो सकता है जातक को लड़की के रूप में संतान ज्यादा हो और लड़के के रूप में संतान कम हो। इसके अलावा जातक का प्रेम बहुत अच्छा रहता है अपनी संतान के प्रति, संतान से आपके संबंध काफ़ी अच्छे रहते हैं, आप संतान के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, उनका पूरा ध्यान रखते हैं। हो सकता है आपकी संतान का लगन, अगर आपका शुक्र पंचम में है तो हो सकता है कि उनका लगन वृषभ या तुलाई हो, या फिर जो उनका वो हाउस होगा वृषभ राशि वाला या तुला राशि वाला वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो सकता है, वहाँ पर शुक्र का बहुत अच्छा प्रभाव हो सकता है। तो ये स्थिति देखने में आती है। इसके अलावा अगर आपका खुद के लिए अगर आपका शुक्र का संबंध सिक्स हाउस या टेंथ हाउस से जुड़ जाता है आपकी कुंडली में, तो आपको ये आर्टिस्टिक क्वालिटीज, आर्टिस्टिक फील्ड में बहुत ज़्यादा ये जॉब की संभावना बनाता है। इसके अलावा क्रिएटिव चीज़ों में आप ज़्यादा कर सकते हैं, उनसे बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं, थिएटर की दुनिया में, फिल्म इंडस्ट्री में, और आप किसी नाटक में रोल प्ले कर सकते हैं बहुत अच्छा, आप भाषण बहुत अच्छा दे सकते हैं, आप एंकरिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं।
तो आप एक बहुत अच्छे कलाकार हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं, आप ग्लैमर की दुनिया में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट यहाँ से शुक्र आपको देता है। और सिक्स्थ हाउस से या 10th हाउस से जैसे ही अगर संबंध जुड़ जाता है, तो जातक इन चीज़ों में ही अपना करियर भी चूज कर लेता है और उसको फायदा बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर शुक्र आने से आपको जुआ सट्टा लॉटरी वगैरह से, शेयर मार्केट से भी बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पर जब शुक्र आता है तो ये प्रेम संबंधों के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर कई बार क्या होता है, जातक अपनी जिम्मेदारी से दूर हटकर वो प्रेम रोमांस में ज़्यादा पड़ता है, यानी उसको रोमांटिक चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, बाद में वो आगे उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा नहीं लेना चाहता। हो सकता है कि जातक अगर मेल है तो उसके शुरुआत से ही, छोटी उम्र से ही बहुत ज़्यादा जो फीमेल्स हैं उनसे प्रेम संबंध रहे हों। और यहाँ पर अगर आप पुरुष जातक हैं तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं ऑपोजिट सेक्स को अपनी तरफ, अगर शुक्र पंचम में बैठा है तो। अब यहाँ पर आपको शुक्र की पावर देखनी पड़ेगी। शुक्र अपनी खुद की राशियों में अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर राहु के साथ बैठ गया तो ये आपको बहुत कुछ अच्छा भी दे सकता है और कई बार प्रेम संबंधों में ये आपको बहुत अचानक धोखा भी दिलवा सकता है। अब देखिए पंचम हाउस में शुक्र बैठता है तो ये एक तरह से जो जो जातक हैं, पुरुष जातक, पुरुष जातकों के लिए शुक्र पत्नी को रिप्रेजेंट करता है। और पंचम भाव में जब भी शुक्र आता है तो अगर 7th हाउस से संबंध जुड़ गया अगर शुक्र का, तो ये लव मैरिज का चांस बनाता है। और वैसे भी शुक्र लव को इंडिकेट करता है, ये सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को इंडिकेट करता है, तो ये बहुत अच्छा यहाँ पर कई बार रहता है और कई बार ये बहुत खराब भी यहाँ पर रिजल्ट दे सकता है मैरिड लाइफ को लेकर। जब तक आपकी शादी नहीं हो रही हो या नहीं हुई हो, तब तक आप एक तरह से रोमांस के लिए प्रेम संबंध रखेंगे, लेकिन शादी के बाद आप बहुत अच्छी जिम्मेदारी से अगर काम करेंगे प्रेम संबंधों के मामले में, मैरिड लाइफ के मामले, तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। साथ ही यहाँ पर शुक्र आपको मनोरंजन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। आपको बहुत अच्छा म्यूजिक हर टाइम आपको सुनना पसंद होगा, ये भी आपके लाइफ का एक अहम हिस्सा हो सकता है। और ऐसे जातकों में देखा गया है कि जब ये छोटी एज में होते हैं तब से ही ये तो अपोजिट सेक्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं अगर पुरुष जातक हैं तो। और ये जब स्कूल एजुकेशन में होते हैं, अपने स्कूल में जब ये पढ़ रहे होते हैं 10th 12th तक, तब ये बहुत अच्छा स्टेज पर गा देते हैं, बहुत अच्छा भाषण दे देते हैं, बहुत अच्छा डांस कर देते हैं ये कई मौक़ों पर। तो ऐसी कला ऐसे जातकों में बहुत ज़्यादा होती है और ये उसमें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। स्कूल में एक अच्छा इनका नाम होता है, गायन में हो सकता है, डांस में हो सकता है, किसी भी प्रकार की स्टेज परफॉर्मेंस में इनका नाम हो सकता है, तो ये काफ़ी अच्छा इनके लिए है। और जब ये कॉलेज एजुकेशन में प्रवेश कर जाते हैं तो कॉलेज में भी इनका जो क्रिएटिव स्किल्स है, जो आर्टिस्टिक नेचर है, जो इस प्रकार की परफॉर्मेंस है स्टेज पर, वो ये काफ़ी देते हैं। ये बहुत अच्छा डांस कर सकते हैं, बहुत अच्छा भाषण दे सकते हैं, बहुत अच्छा गाना गा सकते हैं, तो इससे ये अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे जातक अगर गीत संगीत की दुनिया में चले जाएं या ये स्टेज परफॉर्मेंस में किसी भी रूप में ये चले जाएं तो बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं। उसके लिए आपको शुक्र किस राशि में बैठा है और जो शुक्र है वो किस ग्रह के साथ है, ये सारी और भी चीज़ें यहाँ पर देखनी पड़ेगी, और ओवरऑल जो आपकी कुंडली है वो भी देखनी पड़ेगी, किस नक्षत्र में है वगैरह वगैरह, ये सब यहाँ पर मैटर करता है। इसके अलावा देखिए शुक्र यहाँ से देखता है आपके 11th हाउस को, यानी लाभ भाव को, तो ये आपको लाभ भी काफ़ी अच्छा करा सकता है, धन का लाभ करवा सकता है आपको। आप अपने आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ को, अपने आर्टिस्टिक नेचर को यूज़ करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ऐसा जातक जिसका पंचम में शुक्र हो,
वो बहुत अच्छा अभिनेता बन सकता है, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में भी ये कर सकता है। वो डिपेंड करता है आपके लगन चार्ट पर, ओवरऑल किस प्रकार का आपका लगन चार्ट है उस पर भी डिपेंड करता है। अब देखिए, ऐसा जातक जिसके पंचम में शुक्र हो, ये एक तो ये सेक्सुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ये ब्यूटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और यहाँ पर देखा गया है, अगर स्त्री जातक है तो उनको उनको बहुत अच्छा डांस आता है, उनको बहुत अच्छा सिंगिंग आता है, वे बहुत अच्छा स्टेज पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे जातक बहुत अच्छा करते हैं अपनी लाइफ में, और उनकी जो संतान है वो भी कहीं ना कहीं उसका भी शुक्र मजबूत होगा। जन्म के बाद आप उनकी कुंडलियां चेक कर सकते हैं, और हो सकता है कि वो भी शुक्र वाली ये जो चीज़ें हैं, जहाँ जिस चीज़ को शुक्र डिनोट करता है, उनमें उनका भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। तो शुक्र यहाँ पर आपको बहुत कुछ पंचम भाव में दे सकता है। बस यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर शुक्र के ऊपर मेल्फिक इफेक्ट नहीं है, बुरे ग्रहों का प्रभाव नहीं है, तो यहाँ पर शुक्र बहुत अच्छा है। और अगर अपनी मित्र राशि शुभ राशि में बैठा है तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मेल्फिक इफेक्ट शुक्र पर हुआ तो वो आपको कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है। यहाँ पर ज़्यादातर शुक्र लव मैरिज का चांस बनाता है, लेकिन उसके लिए आपको लगन देखना पड़ेगा कौन सा लगन है और सप्तम से शुक्र का संबंध है या नहीं है। साथ में यहाँ से देखिए, शुक्र जब पंचम में आता है तो ऐसे जातक अगर मैरिड लाइफ में बहुत अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं करता तो मैरिड लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि ये एक तरह से सेंसुअल प्लेजर के रूप में प्रेम संबंधों को लेते हैं, जिससे इनको कई बार नुकसान भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर शुक्र पंचम भाव में इस प्रकार से रिजल्ट देते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।